वेलकम टू ए बी कैम्पस आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर बात करेंगे फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं बनाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएँ और रेगुलेशन इस सिलसिले में क्या हैं और फिर एक टर्म होती हैं गैप्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड आई एफ आर एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इन टर्म्स का क्या मतलब है क्या इम्प्लीकेशन है इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो इन तीन पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं पहली बात अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यह है कि एक रिपोर्टिंग एंटिटी यानी जो एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है उसके बारे में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो किसके लिए यूजफुल हों एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए लैंडर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए इस बात से ये पता चलता है कि जो मेन तीन यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो इन्वेस्टर लैंडर और क्रेडिटर्स हैं यानी वो लोग हैं जो बिजनेस को पैसा प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इनको हमने इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करनी होती है ताकि ये डिसीजन मेकिंग कर सकें एंटिटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए एक इन्वेस्टर भी देखें ये फैसला करता है कि वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे या ना करे लैंडर यानी बैंक जिस तरह से लोन देने के लिए सोचता है कि लोन दे या ना दे इसी तरह अदर क्रेडिटर्स उधार पे चीजें देने के बारे में सोचते हैं कि कितनी की दें दें भी या ना दें तो ये फैसला वो कर रहे होते हैं उन्हें एक बिजनेस की जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है उसके बारे में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉग है या वीक है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इनकम से पता चलता है कहाँ से पैसे आए कहाँ पे खर्च किए गए ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता चलता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑनर्स की वेल्थ में क्या चेंजेस आए कहाँ किस वजह से वो चेंजेज़ आई ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पता चलता है और इसके अलावा मजीद जो इन्फॉमेसन और डिटेल्स होती हैं वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है तो जो हमारी पाँच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पाँचों डिफरेंट एंगल की इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड कर रही होती हैं और वो सब की सब रेलिवेंट होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ यूजर्स के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा रेलीवेंट होती है कुछ के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ज़्यादा रेलिवेंट होती है ऑनर्स के लिए जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन चेंजेज इन इक्विटी ज़्यादा रेलिवेंट होती है तो पॉइंट्स के बाद अब हम चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, और रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे तो यहां पर एक डिफरेंस है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप ये दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेशन एक जैसे हैं और कंपनीज के लिए सिचुएशन काफी डिफरेंट है और उसकी रीजन भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों डिफरेंट है और क्या फर्क है तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये होता है कि जो ऑनर या पार्टनर होते हैं वो बिजनेस को खुद मैनेज कर रहे होते हैं और उन्हें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होती है उन्हें क्योंकि वो बिजनेस खुद मैनेज कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि इनकम्स कितनी हो रही हैं किस टाइप के एक्सपेंसिज हो रहे हैं बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिजनेस में क्या इशूज आ रहे हैं ये सारी बातों का उन्हें अंदाजा होता है कंपनीज में ऐसा होता है कि कंपनी को ओन तो शेयर होल्डर्स करते हैं जिन्हें मेंबर्स भी कहते हैं लेकिन कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स अब शेयर होल्डर्स खुद मैनेज नहीं कर रहे तो उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती कि एक कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है तो शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है ताकि वो ये देख सकें कि डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी है और साथ के साथ बिजनेस कितना अच्छा या बुरा चल रहा है जिसकी बेस पर वो ये फैसला कर सकें कि क्या उन, उनको इस बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं या ऑलरेडी अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको सेल करना चाहिए या नहीं फिर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सिवाय यह टैक्स पर्पजेस के लिए अच्छा टैक्स पर्पजेस के लिए हमेशा नहीं होती जैसे अगर एनुअल इनकम बहुत ही लो है तो उस सूरत में कई बिजनेसिस के ऊपर जो है सोल ट्रेडर खासतौर पर उनके ऊपर टैक्स रिटर्न वगैरह या टैक्स रिकॉर्ड जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये कि मुनासिब अर्न करने वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ रहा होता है तो वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं इसी तरह बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक भी इंफॉर्मेशन डिमांड करता है तो उसके लिए भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ जाता है जबकि कंपनीज में तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और बल्कि ना सिर्फ ये कि बनानी है बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पर भी आपने फाइल करनी होती है कुछ एक्सेप्शन भी हैं कुछ कंपनीज़ को नहीं करनी होती लेकिन मोस्टली कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एस सी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी जमा करवानी होती है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में जिस तरह हमने बात की कि लाजमी नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं लेकिन अगर वो बनाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑनर या पार्टनर्स की होगी कि वो बनाएं हाँ अलबत्त ज़रूरी नहीं है कि भाई वो खुद ही जो है ना बैठ कर बना रहे हों वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं हायर कर सकते हैं जो उनके लिए ये काम कर दें जैसे अकाउंटेंट्स हैं अपने एम्प्लॉय के तौर पर कर लें या आउटसोर्स कर लें कंपनीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये डायरेक्टर्स की होती है और वंस अगेन डायरेक्टर्स भी इंप्लाईज के थ्रू भी कर सकते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के डायरेक्टर्स की होगी क्योंकि कंपनी को मैनेज डायरेक्टर्स कर रहे हैं फिर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाई जाती हैं लेकिन इनके लिए कोई लाजमी नहीं होता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मुकम्मल तौर पर फॉलो करें हम पाकिस्तान में काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से एज क्लोज एज पॉसिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएँ जब सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की भी बनाई जा रही हैं लेकिन क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसी ऑब्लीगेशन नहीं होती और बाजू का स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट बहुत कंप्लीकेटेड हैं और वो एक छोटे बिजनेस पर अप्लाई करना लॉजिकल नहीं होता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किए जा रहे होते जब हम सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं जब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो उसमें लॉ की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ता है कंपनीज एक्ट टू और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है आईएफआरएस को भी फॉलो करना पड़ता है ये काफी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड्स हैं काफी डिटेल्ड हैं कम्प्लिकेटेड भी हैं और इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही होती है तो टोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऑडिट कंपलसरी नहीं है हाँ वो अपने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए बिजनेस पे अच्छे कंट्रोल के लिए करवाना चाहें तो करवा सकते हैं ज में जो ऑडिट है वो कंपलसरी होता है ऑडिट होता ये है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि यूजुअली चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं हैं और उस पर एक ओपिनियन देते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं इसमें भी बहुत छोटी कंपनीज के लिए एक्सेप्शन है कि उनको ऑडिट नहीं करवाना होता लेकिन अमूमन ज्यादातर कंपनीज जो है वो ऑडिट करवा रही होती हैं सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पब्लिक की कोई एक्सेस नहीं होती यानी अगर उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज को भी जमा करवाई है तो वो कॉन्फिडेंशियल है बैंक को भी जमा करवाई है तो बैंक उसे अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखता है जबकि की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उन पर जनरल पब्लिक की एक्सेस होती है इवन लिस्टेड कंपनीज में तो यह सूरत हाल है कि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है और वहां रखनी है तो कोई भी शख्स उनकी वेबसाइट पर जाकर सिंपली उनकी वेबसाइट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकता है तो आप भी डिफरेंट कंपनीज की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट वगैरह उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं काफ़ी ये हंड्रेड प्लस पेजेस का मूमन डॉक्यूमेंट होता है काफ़ी डिटेल डिस्क्लोजर्स जो है उसमें शामिल होते हैं तो कंपनीज के लिए और जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हैं इनके लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेशन है और ये डिफरेंस हमारी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए अब हम बात करेंगे गैप्स एंड आईएफआरएस की गैप्स बेसिकली वो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स कन्वेंशन लॉ रूल्स रेगुलेशन है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं इनका पूरा जो कह लें कि सेक्रोनियम का पूरा जो डिटेल वर्ड है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेड हैं कि ये प्रिंसिपल्स ठीक हैं और उनकी बेस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे होते हैं और प्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में जो गैप्स हैं वो मेन इसके दो हैं एक है कंपनीज एक्ट like 2017 जो हमारा लॉ है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन स्टैंडर्ड्स को एस नोटिफाई करती है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है अब ये जो आई हैं इन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं अक्सर तो ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन ने खुद बनाए हुए हैं यानी आई भी अकाउंटेंट्स की ही एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो खुद बनाते हैं तो वहां पे ये बनते हैं और उसके अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ही इसको फॉलो करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे इन रेगुलेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम भी दिया जाता है बहुत से कंट्रीज और बहुत सी कंपनीज जिनके शेयर खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज पे, पे ट्रेड हो रहे होते हैं उन्होंने आई फॉलो किए हुए हैं अच्छा लेकिन पूरी दुनिया में आई एफ आर एस अभी फॉलो नहीं हो रहे जैसे यूएस के अंदर कुछ कंपनीज जो हैं वो यूएस के अपने जो स्टैंडर्ड एफ एस जो उनके अपना एक बोर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एफ एस भी वो फॉलो करते हैं और इसी तरह कुछ और कंट्रीज के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हैं वो फॉलो करते हैं जो हम पाकिस्तान में फॉलो करते हैं वो आई एफ आर एस है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए हुए हैं और इनकी आ, के मुताबिक ही हम पाकिस्तान में अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को कर रहे होते हैं in combination with requirement of companies act so that's all for today have a good day